ये आज सावनी में मेरे बहुत अच्छे फूल खिले। ये मैं जब से ले आई हूँ तब से खिल ही रहे हैं। पिंक वाला हाइब्रिड बीन का आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये मधुकामी इतनी ज़्यादा ये मेरा वाइट कनेर है, इसमें भी कलियां बनी हुई है। अभी इस समय बोगनवेला फुल ग्रोथ पे है, बहुत ज्यादा बोगनवेला ही नहीं सारे प्लांट बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। लगाने जा रही हूँ बोगनवेला की कटिंग। कल मैं ले आई थी ये क्रूटन के दो प्लांट, ये बहुत अच्छे प्लांट है, बिल्कुल घने घने से ये मुझे मिले हैं 50-50 रुपए के। इनको मैं शाम को रिपोर्ट करूंगी, अभी नहीं करूंगी। और ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा, कितनी अच्छी हवा चल रही है और मेरे यहाँ बादल भी बना हुआ है। ऐसे में कटिंग लगाओ तो सब लग जाती है। पिछले साल मैंने दिसंबर के शुरुआत में कटिंग लगाई थी तो जिसमें से दो चले थे क्योंकि निकल चुका था समय। अब की बार मैं समय से कटिंग लगा रही हूँ और काफ़ी थिक कटिंग मैं ले आई हूँ। बहुत मुश्किल से कटिंग मुझे मिली और फिर मैं 4-5-6 कटिंग ले आई थी। जो थोड़ा सी मोटी है उसको मैं इसमें लगा दूँगी और सब डिस्पोजल वाले गिलास में, क्योंकि इकट्ठा एक ही में कटिंग लगा दो तो फिर निकालो तो उनकी जड़ें सब खुल जाती हैं, तो अक्सर मुझसे मेरे प्लांट ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें अलग अलग लगाना ही सही समझा। क्योंकि अब की बार तो जो मैं अभी एक हफ्ता पहले जो ले आई थी बोगनवेला की, वो तो मुझे 60-60 रुपए के मिले थे, पर पिछले साल मैं प्लांट जो ले आई थी वो मुझे 120-120 रुपए बोगनवेला के मिले थे। तो बोगनवेला के प्लांट काफ़ी महंगे मिलते हैं। थोड़ा थोड़ा फुरस देंगे तो जल्दी से जड़ निकल आएगी, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा ये सब एक ही कलर के हैं, रानी कलर के हैं सारे बोगनवेला, पर मैं और कलर ले आऊँगी क्योंकि वो जो कलर हैं थोड़ी दूरी पे हैं। अगर मैं उधर गई तो मैं और कलर ले आऊँगी बोगनवेला के। बोगनवेला का प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फूल खिलते हैं। तो बड़ा प्लांट है, इनको ले आके मैं इनको पानी में रख दिया था क्योंकि मुझे तुरंत लगाना नहीं था, काम बहुत था। काम करने के बाद जब मैं फिर ऊपर छत पर गई तो ये मेरा रानी कलर का है, रानी कलर का मेरे पास बहुत हो गए हैं और जो मिलता है मैं वही लगा दे रही हूँ। कटिंग थोड़ा ज़्यादा लगाओ ताकि अगर ज़रूरी नहीं है कि सब चल जाते हैं, उसमें से कुछ खराब भी हो जाते हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा ज़्यादा लगा रही हूँ। एक तो ये बगल में मंदिर है, पंडित जी रोज इतना तेज बजा देते हैं, कभी कभी तो सिर दर्द होने लगता है, मगर कुछ कह नहीं सकते ना, भगवान के नाम पे इतना तेज बजा देते हैं। क्योंकि कटिंग बहुत मुश्किल से मिलती है, जल्दी से मिलती नहीं है। मैं कटिंग मुझे बहुत मुश्किल से मिलती है, मुझे बहुत ढूंढना पड़ता है तब जाके मुझे कटिंग मिलती है। देखो मेरी सारी कटिंग लग चुकी है, मैंने लगा दिया है।
कहीं से भी आप सबको भी कहीं से भी अगर कटिंग मिले तो आप लोग भी लगा लीजिए, क्योंकि इसी सीज़न में ये कटिंग लगती है अच्छे से। और मैंने इनको अलग अलग सब लगाया, पहले तो मैंने सोचा था मैं इसी में लगाऊंगी, मगर क्या होता है फिर निकालो तो इनकी जड़ें खुल जाती हैं, जितना टाइम ये लगने में लगाती हैं फिर से दोबारा फिर इनको सर्वाइव करने में ही उतना टाइम लगता है, इसलिए मैंने इनको इसमें लगा दिया। जो ज़्यादा बड़ी बड़ी थी तो मैंने इसमें लगा दिया, और इसमें अब मैं इसी में साइड में रखूँगी, क्योंकि कटिंग हीले ना लगने के बाद इसमें रहेगा तो ये हीलेगा नहीं। ऐसे भी सारी कटिंग लगने के बाद मैं मिट्टी सही थी बड़े गमले में सिर्फ लगा दूँगी, बड़े गमले में कर दूँगी इसको। तो मिट्टी बहुत गीली है तो मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। मैंने एलोवेरा जल भी लगा दिया था और इसमें फंगीसाइड भी लगा दिया है। ये देखिए एक सूरा है, बहुत अच्छा कलर है, एकदम रेड कलर। अभी ये खिलना चालू, एक एक खिलना चालू हो गए हैं। जब मैं ले आई थी तभी कलियां बनी थी, अभी खिलना चालू हो गए हैं। ये भी बहुत सुंदर खिल रहा है। ये मेरा ये पिछले साल का कटिंग है, मैंने बहुत कटिंग लगाई थी, कम से कम 20-25 कटिंग थी, जिसमें से 4 चल गई थी, 2 गिर के ख़राब हो गई थी और 2 ही बची थी। ये यही कलर आज जो मैंने लगाया वो भी यही कलर है। एक यहाँ है मेरा कटिंग का, एक वहाँ है। ये तो मैं ख़रीद के ले आई थी, ये 60-70 रुपए के प्लांट है, छोटे छोटे थे, अभी बरसात में ये बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। और ये वाला वाइट कलर का था तो ये बहुत बड़ा, ये भी है, ये मुझे 80 रुपए का मिला था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कटिंग ही लगा लेती हूँ, क्योंकि बोगनवेला की कटिंग मानसून में बहुत आसानी से लग जाती। ये मेरा मधुकामनी का है, बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, ये देखिए बहुत काफ़ी पास रखा इसलिए दिख नहीं रहा, बहुत अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। मैंने इसमें ये लगा के रखा है तो मैं धीरे धीरे इसी पे चढ़ा दूंगी तो ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये मधुमालती का पौधा, ये मेरा वाइट कलर का बोगनवेला, ये बहुत बड़ी सी आई हुई है। ये तो अभी बहुत तेज़ गर्मी में मैं ले आई थी इसको, जून के शुरुआत में थी, ये मेरा ख़राब होने लगा था, मिट्टी थोड़ा वैसी थी तो मैंने मिट्टी इसकी चेंज कर दी थी, तो अभी ये अच्छा हो गया। इसमें देखो नई नई पूरे में पत्तियाँ आ गई हैं, पत्तियों से भर चुका है। ये मेरा बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें कलियाँ उलियाँ बनेगी, बरसात आ गया है, बारिश हो रही है, तो अभी ये भी खिलेगा। ये क्योंकि मधुमालती वाइन के जैसे होती है ना, तो इतनी पतली पतली सी होती है, तो ये इसकी सीप पे चढ़ा दो तो बहुत अच्छे से जब फूल खिलता है तो बहुत सुंदर लगता है। मेरे पास काफ़ी बोगनवेला हो गए हैं जो सब मैं ख़रीद के ही ले आई हूँ, ज़्यादातर बस 2 ही कटिंग के हैं। ये दूसरा वाला है, ये भी मेरा कटिंग का ही लगा हुआ है। मेरे अडेनियम, मैंने इनको नीचे रखा है कि ये बरसात में ख़राब ना हो, इसलिए तब भी जैसे लग रहा है कि फंगस लग ही जा रहे हैं, को बहुत बचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये पहले प्लास्टिक में लगे थे तो लगातार बारिश से नहीं, मेरे यहाँ मैं भी पानी डाल देती थी, मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी, तो किसी को उतना आइडिया नहीं हुआ, सब डालते डालते पानी ज़्यादा होने की वजह से इसमें फंगस लग गए थे, तभी मैंने इनको सबको मिट्टी के पॉट में कर दिया है। अभी तो सही है, ये देखो, तो मैंने इनको टेबल के नीचे रखा है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये वो, और एक वहाँ रखा हुआ। चलिए इस मानसून आप लोग भी खूब सारी कटिंग लगाइए, क्योंकि कितने पौधे खरीदेंगे।
और इतने महंगे हैं, एक दो पौधे करते 50-60 रुपए के पौधे लेते लेते बहुत हो जाते हैं। जो पौधे आपके पास ना हो, जिनकी कटिंग ना मिलती रहे, वो पौधे आप ले आइए, नहीं तो कटिंग मिल जाए तो कटिंग से लगा लीजिए। ये भी आज खिला हुआ है। ये वाली तो चांदी में बहुत दिन से ढूंढ रही थी, मुझे मिल गया, पर कुछ कलियां इसकी पीली हो जा रही हैं। आप सभी भी खूब कटिंग लगाइए। वीडियो को अगर देख पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, मेरे प्लांट, तो प्लीज़ मेरे वीडियो की भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों।